भक्ति तो बहुत प्रकार की है, कोई कैसे करे कोई कैसे करे, लेकिन प्रत्येक भक्ति में सबसे पहला है स्मरण। भगवान का स्मरण करो, उनका रूप ध्यान। इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते, कितने हजार बार कृपालु ने कहा होगा फिर भी भूल जाते। मन बहुत चंचल है, जिस समय आप सुनते हैं उस समय तो फील करते हैं, हाँ लापरवाही हम बहुत करते हैं, उधर निगाह है उधर निगाह है उधर निगाह है उधर निगाह है, रूप ध्यान नहीं करते। देखो आपके पास साधन करने का, साधना के लिए छह चीजें हैं कुल जमा टोटल, आंख कान नासिका रसना और त्वचा और मन। सातवीं चीज कोई आपके पास नहीं है, वर्कर, देखने का काम केवल आंख, सुनने का काम केवल कान, सूंघने का काम केवल नासिका, रस लेने का काम केवल रसना, स्पर्श करने की कामना केवल त्वचा की। बस यही पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, और कर्मेंद्रिय तो हेल्पर है, हाथ पैर वगैरह, ये ज्ञान शक्ति नहीं है इनमें। इन पांच ज्ञानेंद्रियों का गवर्नर मन है। मन में पांचों इंद्रियां रहती हैं, ध्यान दो, मन में पांचों इंद्रियां सदा रहती हैं, लेकिन इंद्रियों में मन कभी रहता है कभी नहीं रहता। इंद्रियां अपने आप कुछ नहीं कर सकती, आंख देखती है गलत, आंख के द्वारा मन देखता है ऐसा बोलो। इसीलिए आप लोग यह भी तो बोलते हैं ना, मैंने आंखों से देखा है, मैंने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, से माने क्या, वो हेल्पर है, उसके द्वारा। केवल आंख नहीं देख सकती, क्योंकि देखने के बाद ये सोचना होगा ना ये क्या है, हमने देखा, पूछा ये क्या है, आंख ने देखा बस, लेकिन ये क्या है ये उत्तर आंख नहीं दे सकती। ये उत्तर तो मन जब आएगा आंख के पास तो वो देख के निश्चय करेगा, अरे ये पुस्तक है जी। इसलिए शास्त्र वेद एक स्वर से कहते हैं कि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है, मन। इंद्रियां हो ना हो सब बराबर, इंद्रियों की भक्ति दिन रात करो अनंत युग। फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। अब मन से भक्ति एक क्षण को हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तभू ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। गौरांग महाप्रभु ने कहा अनंत जन्म कोई लेक्चर सुने और कीर्तन करे रसना से, इससे प्रेम नहीं मिलता है, भगवत प्राप्ति नहीं होती। मनेर स्मरण प्राण। देखो शरीर में एक तो ये शरीर है बॉडी,
जड़, और इसमें एक प्राण है आत्मा जिसे कहते हैं, वो निकल गई तो शरीर को आप जला देते हैं, 24 घंटे में उससे दुर्गंध आने लगती है। तो जैसे आत्मा की इंपॉर्टेंस है, शरीर नथिंग है, ऐसे ही मन की इंपॉर्टेंस है, इंद्रियां कुछ नहीं। अगर है ठीक है, लगा दो उसको भी, रसना है आप गूंगे नहीं है तो राधे राधे बोलो, अच्छा वो हेल्पर है। लेकिन आप राधे राधे बोलें और राधे नौकरानी का ध्यान करें तो वही नौकरानी मिलेगी मरने के बाद, किशोरी जी नहीं मिलेंगी। जिसमें मन का अटैचमेंट होगा उसी की प्राप्ति होती है, ये फिलॉसफी अकाट्य। तो भगवान की भक्ति करना है, भगवान से मिलना है, भगवान के पास जाना है, सबका एक अर्थ है कि मन का लगाना, भगवान में मन को लगाना, बस यही एक साधन है। वो योग से करो, तप से करो, कर्म से करो, धर्म से करो, भक्ति से करो, उपासना से करो, ज्ञान से करो, किसी मार्ग से जाओ, जितनी नदियां हिमालय से निकलेंगी सब समुद्र में जाके समाप्त हो जाएंगी। जितने भी सही सही मार्ग हैं वो सब एकमात्र मन का भगवान में लगाना, मन का भगवान से संयोग करा देना, बस इसी का नाम साधना। अब चूंकि हम लोगों के संस्कार अलग अलग हैं, पूर्व जन्म में हमने किस प्रकार की साधना की है तो उस तरह से मन लगता है हमारा ध्यान करने में, वैसा करो, रूप ध्यान आवश्यक है। वैसे हम तीन साल लोगों को बताते हैं, नंबर एक रूप ध्यान, नंबर दो कीर्तन, नंबर तीन श्रवण। तो श्रवण को महापुरुष के द्वारा ही होना चाहिए, गुरु के द्वारा ही होना चाहिए, और कीर्तन तो अपना कहीं भी करो। तो गुरु तो हमेशा मिलेगा नहीं, हाँ, लेकिन आज के साइंस के युग में एक फायदा है, आपके पास लेक्चर सुनने के साधन हैं, कैसेट लगा दो ठाट से, घर में बैठे बैठे गुरु जी की वाणी सुनो। यही एक सबसे बड़ा आविष्कार का लाभ है इस युग में अध्यात्म लाभ के लिए। नहीं, प्राचीन काल में गुरु जी के पास जाओ, उनका लेक्चर हो तो सुनो, फिर गृहस्थी आदमी कहाँ 24 घंटे पास में रहेगा गुरु जी के। लेकिन ये श्रवण भक्ति आजकल बड़ी सुगम हो गई है, हमारे तमाम सत्संगी कैसेट लगा देते हैं, अपना बैठ जाते हैं, परिवार वाले सुनते हाँ, देख भी रहे हैं गुरु जी को, वाणी भी सुन रहे हैं, वैसे ही आवाज सब बाकायदा, ये साइंस से फायदा हो गया। तो ये श्रवण भक्ति है नंबर तीन। लेकिन श्रवण हो चाहे कीर्तन हो, रूप ध्यान कंपलसरी है सबसे पहला। इसी को सासंग भक्ति कहा है गौरांग महाप्रभु ने, और अनासंग भक्ति उसे कहते हैं जो इंद्रियों से की जाए, मन का अटैचमेंट न हो। कबीर दास ने बहुत पहले कहा था, मन का फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, अब कर का मन का छाणु, अब मन का फेर।
मन का अटैचमेंट होना चाहिए। भले ही एक बार तुम राधा कृष्ण मत बोलो, देखो अगर बोलना आवश्यक हो, कीर्तन आवश्यक हो, तो फिर गूंगे लोग कहेंगे भगवान से कि हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए, क्योंकि हम गूंगे थे, हम आपका नाम कैसे लेते। लेकिन भगवान ऐसा नियम बनाते नहीं कि कोई बोल सके कि मेरी आंख नहीं है, मेरे कान नहीं है, मेरी नासिका खराब है, मेरे रसना खराब है। अरे मन तो है, हाँ मन तो सबके पास है, बस बस मन मुझे दे दो। ये मन का अटैचमेंट भगवान में हो जाए, यही साधना है। और कैसे हो गए ये तीन साधना मैंने बताई, स्मरण, कीर्तन, श्रवण।